अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और ईजीएस्ट और क्विक और बहुत ही मज़ेदार सी बैगन के भरते की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन में 1/4 कप ऑयल, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ की अनियन स्लाइस करके। और जब तक ये फ्राई हो रही थी, मैंने एक साइड पे ना फ्लेम पे लो फ्लेम के ऊपर रख दी थी अपने बैगन ग्रिल होने के लिए। सॉरी, वो क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई और वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर सिर्फ है ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे और फिर राइट वे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टोमेटो स्लाइस करके, और इसको हम इतना पका लेंगे कि ये टोमेटोस हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, बैगन को गलाएं टेंडर करने का यही तरीका है कि आप बिल्कुल मीडियम टू लो हीट रखें चूल्हे के, और डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर या वो जो एक आयरन स्टैंड होता है स्टोव वाला, उसके ऊपर आप रख के और ना बैगन को इतना पका लें पूरे इंच फोर चार तरफ से कि वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और फिर उसको पील करके और फिर आप उसको मैश कर लें। और जब तक मैं आपको बता रही थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब इसमें जा रहा है हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, क्रश रेड चिली पाउडर सॉल्ट टू टेस्ट, एंड क्रश्ड कोरिएंडर भुना कुटा साबुत धनिया, तकरीबन मैंने डाला था 1 टीस्पून भर के। और इसमें अब मैंने ऐड कर दी हैं 2-3 हरी मिर्चें जो कि बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा मैश किया हुआ बैंगन। ये देखें जी, बैगन ऐड हो गया, इसको मैंने मिक्स करके दम पर रख दिया था अराउंड 10-15 मिनट्स के लिए। और ये देखें, हमारे बैगन के भुरते से ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा बैगन का भुरता रेडी है। इसको आप सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, दही के साथ, और बहुत ही मज़े का लगता है, और लंच में और ब्रेकफास्ट में तो ये क्या ही लगता है। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।